वार्ड पार्षदों के द्वारा अधिकांश रूप से सबसे ज़्यादा मुद्दा उठाया गया था वो जल जमाव की स्थिति का। नगर परिषद ऑफिस में ब्लॉक परिसर में ही एक पार्क का व्यवस्था के लिए भी बात हुआ है और सर्वे करवा रहे हैं, और छूटे हुए लाभुक जो पहले से नगर पंचायत में थी अब जो नगर परिषद हो गई है, छूटे हुए आवास विहीन लोगों का एक लिस्ट आम सभा के द्वारा हम लोग तैयार करेंगे और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आपका स्वागत है। आपको बता दें कि लगातार जो है बारिश के बीच जो है नगर परिषद कांटी में जो है सामान्य बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बिहार सरकार में मंत्री इसराइल मंसूरी, वही सभापति दिलीप कुमार और उप सभापति अजय गुप्ता और कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार के साथ और वार्ड के वार्ड पार्षद के बीच जो है असामान्य बैठक पहला बार किया गया। साथ ही आपको बता दें कि नगर परिषद में जो है कोई कई जटिल समस्या है उस पर भी चर्चा की गई और उसे कैसे निष्पादन किया जाए उस पर भी बातें की गई है। वही आपको बता दें कि नगर परिषद में जब मीडियाकर्मी कवरेज करने खबर पहुँच रहे थे उस समय जो है वहाँ के कर्मी के द्वारा इजाज़त नहीं दिया गया, जिसको लेकर कुछ समय के लिए भी लोगों में और मीडियाकर्मी में भी काफ़ी नाराज़गी थी। इसको लेकर जो है हमने सवाल किया कार्यपालक पदाधिकारी से, तो उन्होंने क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले पर और सुनिए। इसमें हमारे विधायक सह माननीय मंत्री जो सूचना प्रौद्योगिकी उनकी भी उपस्थिति थी और माननीय अध्यक्ष के उसकी अध्यक्षता में जो आज बैठक हुआ उसमें एजेंडा वाइज था, हम लोग का टोटल लगभग 14-15 एजेंडा थे। उसमें जो सबसे ज़्यादा बहस हुई है जिस पे नल जल के अनुरक्षण नीति पे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, दूसरा नाली गली पे डिफरेंट वार्ड में जो भी गांव से उत्क्रमित होकर आए हुए हैं नगर परिषद में नाली गली योजनाओं को लिया गया, जल जीवन हरियाली के तहत विभिन्न पोखर तालाब कुआँ इस सब को लिया गया, और स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो एनजीओ का साफ़ सफाई का व्यवस्था ख़राब है तो उसको बदलने पे के लिए टेंडर करने के लिए बात किया गया, सबके लिए आवास योजना के लिए जो भी उत्क्रमित क्षेत्र से आए हैं तो उन लोगों के लिए आवास योजना के तहत जो बोला गया है वार्ड सभा गठित होगा, और जो है वो विभिन्न कमेटी का गठन हुआ जैसे शिक्षक नियोजन समिति होता है, खाद्य निगरानी समिति हुआ, ये सब का हुआ, सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड इशू था, जन्म मृत्यु का इशू, तो उसके लिए बात हुआ है, जेएसएस आया हुआ था तो बोला है कि एक दो दिन में चालू हो जाएगा यहाँ पे भी नगर परिषद में भी, होल्डिंग टैक्स ट्रेड लाइसेंस के लिए भी बात हुई है, उस सबको मंजूरी मिल गई है कि नगर पंचायत से नगर परिषद में हुआ है, और सफाई से संबंधित सामग्री को क्रय के लिए बात हुई है, और स्ट्रीट लाइट पे भी हुआ है कि अब स्ट्रीट लाइट उत्क्रमित क्षेत्र में भी होगा, प्रशासनिक भवन के लिए बात हुआ है कि हमारा नया प्रशासनिक भवन बनना चाहिए चूँकि पुराना ही है, और खेलो इंडिया के तहत आउटडोर जिम इंडोर जिम जो अपना सार्वजनिक स्थल है उस पर बेंच का भी कहा गया है, और भी बहुत छोटी छोटी योजनाएं हैं, कुल मिलाकर के सभी लोगों की समस्याओं को सुना गया और जल जमाव इस सब के लिए जो समस्याएं हैं उसके लिए नया टेंडर करेंगे और जो भी होगा वो बोर्ड में सब तरह सब लोगों से सहमति ले ली गई है और उन लोगों को समय दिया गया है कि आप अपने वार्ड की समस्याओं को लेटर पैड पे लिख के देंगे, उसको प्रोसीडिंग में लिख लिया जाएगा। जिला से सब कोई अपनी मीडिया कर्मी को अंदर आने के लिए अलाउ अलाउ कर कुछ निर्देश है बैठक में, सर मीडिया कर्मियों को वंचित रखा गया है इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, तो ये सामान्य बोर्ड के बैठक में जो है हम लोग सिंपल जो जिनको पत्र गया था तो सामान्य बोर्ड के बैठक में उन्हीं लोगों को आमंत्रित किया गया है, क्योंकि वो सामान्य बोर्ड का वो रूल होता है जिस जिनको भी पत्र जाता है ये सामान्य बोर्ड का 7 दिन पहले ही उन्हीं को बुलाया जाता है, और जिनको अनुमति नहीं है उनको अनुमति नहीं, तो सर अनुमति नहीं, नहीं था बोर्ड में नहीं बुलाया गया था उन लोगों को। कारण क्या है? अब जहाँ माननीय अध्यक्ष की जहाँ जो भी ये रहेगी पत्र जो निकलेगा उसमें जैसे NHAI के लोग थे, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी माँ की सबको बुलाया गया था, तो इसमें देखिए ये प्रोसीडिंग जो है वो मीडिया कर्मियों को इसीलिए क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, पहली बात तो स्पेस की समस्या है, दूसरी बात अगर मान लीजिए जो लेटर में आएगा लेटर में हमारा रहेगा कि बोर्ड में इतने लोगों को ही बुलाना है, हम उतना ही लोगों को अलाउ करेंगे, उससे किनके द्वारा किया जाता है लेटर जो होता है माननीय अध्यक्ष के अनुशंसा पे हमारे द्वारा किया जाता है, और अध्यक्ष जिन लोगों को अनुशंसा में देंगे हम उन्हीं लोगों को अलाउ करेंगे। मीडिया कर्मियों को पाबंदी है, ऐसी कोई बायलॉज है? पाबंदी का बात नहीं हम बोल रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं कि हमारे पास मजबूरी है, मजबूरी इन द सेंस ये है कि हमारे पास स्पेस कम है, हमारा जो ऑफिस की बनावट है वो अभी भी नगर पंचायत के ही लेवल का है, निचले सदन से ऊंचे सदन तक जो भी बैठक होती है खुले कमरे में, बंद कमरे में बैठक होने का सर कोई मुख्य
बंद कमरे का मुख्य वजह यह है कि यहाँ CCTV लगा हुआ है, सदन में भी जो बैठक हुआ हॉल में, हॉल क्या कहिएगा क्योंकि अभी 14 लोगों के लिए ही है ये, तो उस पर भी विचार विमर्श हुआ कि प्रशासनिक भवन रहेगा उसमें मीडिया गैलरी अलग रहेगी, तो उसमें सब लोगों को अब वहाँ पे ही बुलाया जाएगा ना जहाँ पे हम व्यवस्था कर सके, अभी व्यवस्था ही नहीं है कोई, तो उसमें हम प्रशासनिक भवन का हम लोग प्रस्ताव लिए हैं क्योंकि अगले बार जो अगर प्रशासनिक भवन हमारा बन जाता है या कोई स्पेस रहता है जिसमें एक अलग से मीडिया गैलरी रहेगा और उसमें जो भी कोई अतिथि लोग आ सकते हैं उनके लिए भी, मंत्री जी को भी हमको यहीं पे बिठाना पड़ा, उनके साथ भी बहुत सारे लोग थे, हम उन लोगों को बाहर रखना पड़ा क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम मीडिया कर्मियों को कि आप यहाँ तक आए हमारे सामान्य बैठक में नगर परिषद कांटी के, और आज का बैठक जो किया, आज जो बैठक किया प्रथम बैठक थी हम लोगों का जो नगर परिषद में विकास कैसे हो उस पर चर्चा हुई और काम की गति को कैसे बढ़ाया जाए, जल नल की निकासी, जल नल का व्यवस्था कैसे देखा जाए, नली गली का निकासी कैसे किया जाए, बहुत सारी मुद्दा थी, उन मुद्दों पर बात की गई और समाधान के लिए चर्चा भी की गई और उन्हें उन्हें और सुदृढ़ कैसे बनाया जाए उस पर भी चर्चा की गई। वार्ड पार्षदों के द्वारा अधिकांश रूप से सबसे ज़्यादा मुद्दा उठाया गया था वो जल जमाव की स्थिति का और नल जल का, ये सभी पार्षद लोग इस मुद्दे को उठाए कि नल जल की जो बदतर स्थिति है उसको कैसे सुधार किया जाए, तो उस पर हम और हमारे ऑफिस के सभी लोग इस चीज़ को नोट कर लिए हैं और ये अब एक टेंडर के माध्यम से हम लोग इसको जल्दी से सुदृढ़ करने की कोशिश करेंगे। कितने बिंदुओं को प्रोसीडिंग में लिया गया? अभी तो बहुत सारे बिंदु है, जैसे 23-24 बिंदु है शायद, उस बिंदु को लिया गया है और उस पर हम लोग काम जल्द से जल्द शुरू करेंगे और कांटी को एक अच्छा नगर परिषद बनाने का पूरा प्रयास करेंगे और ये क्या बोलते हैं अपने नगर परिषद ऑफिस में ब्लॉक परिसर में ही एक पार्क का व्यवस्था के लिए भी बात हुआ है और उसके बाद खुले में क्या बोलते हैं उसको जिम का व्यवस्था 2-3 जगहों पे, और उसके बाद स्ट्रीट लाइट की सभी पोलों पे हम लोग सर्वे करवा रहे हैं और छूटे हुए लाभुक जो पहले से नगर पंचायत में थी अब जो नगर परिषद हो गई है, छूटे हुए आवास विहीन लोगों का एक लिस्ट आम सभा के द्वारा हम लोग तैयार करेंगे, उसके बाद सभी स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए सभी पोल का एक सर्वे करवा लेंगे हम, सभी पोल का अपने नगर परिषद में 2600 वार्ड में जितने भी पोल हैं उन सबका सर्वे करवा लिया जाएगा, और बैठने के लिए जगह जगह पर सार्वजनिक जगह पे एक बैठने के लिए टेबल क्या बोलते हैं स्टूल टाइप का जो होता है वो लगवाया जाएगा, और बहुत सारी थी चीज़ें रोड और नाला का जैसे कि क्या बोलते हैं स्वास्थ्य विभाग में, तो वो नगर परिषद में होने वाली है NTPC की तरफ से इसी मंथ या अगले मंथ में उद्घाटन उसका हो जाएगा, और एक नाला है नगर परिषद ऑफिस के बगल से गुजरती है जो NTPC वो भी करवा रही है अगले महीने उसका भी फीता। ये हमारी पहली बैठक थी जिसको हमको जानकारी नहीं थी कि कैसे क्या करना है, अगली बार से आप लोगों को बजाबते कुर्सी मिलेगी और आप लोगों का स्वागत रहेगा, आप लोग बैठिएगा और जो भी न्यूज़ कवरेज करना होगा करिएगा। हमारी ये भूल थी कि हम लोग को पता नहीं था कि मीडिया कर्मी को बुलाना है, अभी पता चली हमारे EO साहब से बोले हैं कि वो अध्यक्ष जी, जबकि हमको जानकारी नहीं थी, पहले से अगर ऐसा कुछ रहा था तो आप लोग को हम पहले प्राथमिकता देकर बुला लिया। एकदम सार्थक बैठक रही, हंसी खुशी से सभी चीज़ हो गया और अब काम की गति को बढ़ाया जाएगा और काम एकदम तेजी रफ्तार में 6 महीनों में दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब जो भी योजनाएं हैं वो एक टेंडर माध्यम से ही होगा और उसको हम लोग प्रोसेस में लगाएंगे और 2 दिनों के अंदर में हम लोग अपना सशक्त का बैठक कर लेके और उस योजनाओं को भेज देंगे स्वीकृत करवा कर प्रशासनिक के लिए और ये टेंडर के लिए।